सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे जो है विवरिंस के एग्स जो है वो इकट्ठा कर लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपने पहले भी जगह देखी होगी पुरानी वीडियो में, यहाँ पे हमने विवरिंस के जो फीमेल का मिल्क है वो यहाँ पे निकाला था। हमने नीचे की तरफ नदी की तरफ ट्रैप बना के रखा है और जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं एक पेट्रोडॉन को लेके गया था, 250 लेवल का था और मैं फीमेल को चेकआउट करने गया था, लेकिन वहाँ पे उसकी बलि चढ़ गई मेरी गलती के कारण। तो अभी हमको ये पेट्रोडॉन देख सकते हो अनारकली, जो 996 सिर्फ उसका स्टैमिना है, उससे ही काम चलाने लगेगा ना चाहते हुए भी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि 900 स्टैमिना में उतने दूर से वहाँ तक पहुँचना मतलब भाई नामुमकिन ही है, लेकिन उसको हम मुमकिन कर देंगे होपफुली। तो यहाँ पे मैंने जस्ट फीमेल स्पॉट की थी, दोस्त फीमेल, और वहाँ से निकल रहा था, जस्ट ऐसे ऐसे निकला और भाई पीछे से पता नहीं कहाँ से लाइटनिंग विवरिन आ गया, गाचो गाचो कर दिया मेरे साथ। ये ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहे, नीचे छुपा हुआ था कहीं पे। तो अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे एक पॉइजन और एक फायर फीमेल विवरिन है। तो लाइटनिंग व फायर वाले से जो बचने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, नीचे चले जाओ आपको घंटा कुछ उसका असर नहीं होगा फायर का, मैंने वही लाइटनिंग के साथ भी ट्राई किया भाई, लाइटनिंग बहुत चाना निकला। लेकिन ये मेल है पॉइजन, यहाँ पे एक फीमेल पॉइजन थी नीचे की तरफ, अगर ये भी पेट्रो मर गया अपना तो भाई समझो हो गया कल्याण। तो काफ़ी धीरे धीरे जाना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा सा खतरा तो लग रहा है और रात भी होने वाली है, आप देख सकते हो डे नाइट हमने चालू कर दिया, मैंने बताया था आपको पिछली बार। ये देखो गाइस, कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी मशाल हाथ में लेनी पड़ेगी। यार जब तक नज़दीक नहीं जाता ना ये भाई, ड्रैगन दिखते ही नहीं है भैंस की आँख, जस्ट इसी एरिया में ऊपर की तरफ जंगल में मेरे को अभी गाचो गाचो गया मेरे साथ। अबे ये क्रिस्टल देखो क्या चमक रहे गाइस, सोने चले गए क्या ड्रैगन्स? ऊपर तो उड़ रहा है, अंधेरा हुआ है तो थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके ये रहा, ये मेल या फीमेल चेकआउट करना पड़ेगा, एक जस्ट नीचे उड़ रही है देखो, वो फुली फीमेल निकल जाए। वाह भाई, अंधेरी रात में गोरिया तेरे साथ में, घंटा कुछ दिख नहीं रहा। फीमेल लाइटनिंग है भाई, लेकिन लाइटनिंग वाली को चकमा देना काफी मुश्किल है क्योंकि मैंने देख लिया अभी जस्ट, काफ़ी मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है लाइटनिंग वाले को चकमा देना। फायर वाले को एक बार दे सकते हम, पॉइजन को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं लाइटनिंग को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, पॉइजन की तलाश में जाता हूँ मैं। काम तो कर सकता हूँ मैं, ले सकता हूँ रिस्क थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास एक ही पेट्रोडॉन बचा है, रहने तो। चलो मैं पेट्रोडॉन की बलि नहीं देना चाहता ये वाले भी। ओ भाई ये देखो, ये मेल दिख रहा है नीचे, इसी ने मारा था मेरे को ये वाला। ओके मैं भी वही है या नया रिस्पॉन हुआ है देखना पड़ेगा। ओ भाई ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो एक काम कर लेते गाइज, थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है तो सुबह होने का वेट करते, क्योंकि अंधेरे में मेरे को ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और हमारे पास एक ही पेट्रोडॉन बचा है, तो सुबह तक का वेट कर लेते, रात में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। 5 minutes later. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो सामने उड़ रहा है फायर वाला, देख रहे हो वो है फीमेल, तो उसको लेकर मेरे को वहाँ पे बेस पे जाना होगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है वो जगह। ओ भाई तो पॉइजन कौन है? ओके रास्ते में अपने एक पॉइजन वाला भी है,
अगर ये फीमेल निकले तो फिर अच्छा मेल है, वाइल्ड मेल ब्रोंटोसोरस है। फीमेल पॉइजन है, मेल पॉइजन है सॉरी। तो ये फायर वाले को लेना पड़ेगा। नीचे भी एक लाइटनिंग घूम रहा है, काफी खतरा है यहाँ पे। मैं स्टैमिना रिस्टोर करके एक सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं उस तरफ से जाऊँ तो जब वो उधर जा रहा है तब मैं उसको ले सकता हूँ। मैं भी उसको ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को मिडल से उड़ते हुए जाना पड़ेगा और बीच में रास्ते में मेरे को लाइटनिंग एंड पॉइजन मिल जाएंगे। तीनों पीछे लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं थोड़ा राउंड मारूंगा, ओके। उसके बाद वो रखो, वहां से नजदीक पड़ रहा है, ऊपर उड़ रही है, वो अच्छी बात है हमारे लिए। और वहां से हमारा जो बेस है वो भी काफी नजदीक है, और फायर वाले को चकमा देना भाई काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे स्टैमिना रिस्टोर करना पड़ेगा मेरे को। ये देखो लाइटनिंग जमीन के अंदर घुसा पड़ा है एक। ओके, यहीं पे कहीं पे स्टैमिना रिस्टोर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आगे कारण है वो देख रहा हूँ, वो है हमारा शिकार या फिर हम है उसके शिकार, दोनों में से एक। उसको इस तरफ आने दो, जैसे वो इधर आएगी मैं अपना चांस ले लूँगा, मौका एक ही मिलेगा मेरे को। आ नहीं रहा भाई, शिट यार, वहीं पे मंडरा रहा है। दूर चला गया क्या काफ़ी, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को फिर स्टैमिना भी लगेगा और रिटर्न जाने का मेरे पास ज़्यादा स्टैमिना बचेगा नहीं। लेट्स गो गाइस, इट्स नाउ और नेवर। कम ऑन ब्रो, हियर आई एम, हियर आई एम, हियर आई एम हियर। ठीक है, पीछे तो लग गया, इसको चकमा देना काफी इजी होता है। ठीक है, देखो जैसे फायर करे नीचे उतरना, यही ट्रिक मैं लाइटनिंग के साथ भी पिछली बार कर रहा था लेकिन वर्क नहीं करी। ये देखो, ठीक है, लेके आ रहा हूँ रेडियो। मैं क्लोज करने के लिए क्या तू रहता है? दोनों रहो, एक मर गया तो दूसरा तो आएगा। ये देखो, ये फायर वाले को भाई बाई हाथ का खेले, फायर वाले को पीछे लगा के लेके आना। देखो सिंपल, मैं ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि नीचे अगर किसी से उसने इंगेज कर दिया तो वापस से घूम के आना पड़ेगा। ये देखो एकदम इजी है गाइस, पीछे के हालात देखो, मार नहीं रहा अभी, गॉड नोज वाई। मेरे पीछे का एक बार चेक कर, या घूम गया ए? पीछे 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 ही है, पीछे ही है। ओ भाई लैग, थोड़ा आज किनारे साइड लेकर, थोड़ा हाँ किनारे साइड। हाँ 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 लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। सीधा घुसेगा वो, ट्रैप में घुसेगा, उसकी टेंशन ना ले, सिर्फ दरवाजा टाइम पे बंद करना। ट्रैप में घुस जाएगा देख, अभी मैं अंदर रह रहा हूँ, थोड़ा सा डैमेज खाऊंगा। ठीक है, वो निकल पे, सामने कौन है, ये जय है क्या? बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर दे, बंद कर दे, क्लोज ब्रो। अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया, नाइस 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 नाइस। निकल लो निकल लो साइड में, थोड़ा सा दूर दूर चलो। पेट्राडोन को मैं दूर लगा रहा हूँ गाइस। कौन है, कौन मर रहा है? प्यानी आग बुझाने के लिए पानी में जा रहा है। ओ गाइस, कर लिया वापस से फायर वाले को। फायर वाला काफी ज्यादा इजी होता है गाइस। पॉइजन, फायर, लाइटनिंग का मैंने देख लिया भाई, खोल के मार देता है लाइटनिंग। पहले एक बार फिर से जाओ उसके बाद में। चलो फिर बेहोश करने का काम करते शुरू। ओ भाई ये कौन, जय भी चल गया पे। शील्ड लेके जा रहा था भाई, बुर्जी बढ़ा दिया। पानी में बजाने के लिए जा रहे थे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नहीं नार्कोटिक मारा पहले, ध्यान से, नॉर्मल मार देगा और मर जाएंगे वो। ध्यान से देख कि नारकोटिक ही है तेरे पास, हम इधर से मार रहे, तुम उधर से मारो। ओके हो गए ओके, हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। 5 बॉटल वोडका मिल गए हमको। रुक जाओ, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं बॉटल पेट्रोडाउन में डाल के रख रहा हूँ। हमको अराउंड 45 मिनट या 1 घंटे से ऊपर रुकना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। पहने आ जाओ इसके ऊपर, देख कितना मजा आता है। खड़ा रहे उसके ऊपर पहने।
आजा पैनी आजा। ओ भाई साहब गाइस हमारा काम 25 हो गया है यहाँ पे। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, होश आने से पहले मैं भी आ रहा हूँ। क्या रे विवरित आ गया होश, आ गया ये ले, ये ले कोड। अबे पैडी पैडी चला, पैडी चल गया, पैडी चल गया, मर गया अबे। ओ भाई यही पे रिस्पॉन्ड कर पैडी। तुम दोनों भाग गए, बेचारा पैडी भाई सुमड़ी में मिल गया उसको। ओ शिट, ओ घास में जा रहा था छुपने के लिए पे। जला दिया। चलो गाइस एक डेढ़ घंटा हम वेट कर लेते। Two hours later. खतरों के खिलाड़ी ताना ना ना रुके ना रुकेंगे हम, ए जिगरा में दम। आना भाई डर रहा है देखा तेरे को, इग्नोर फुल इग्नोर, नहीं रहा नहीं नहीं ना 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 मेरे ऊपर अटैक कर, अटैक कर पर अटैक। ओए डर रहा है देखो गाइस, नाम में ही देश है दे। अबे 95 का कौन नॉर्मल एरो यूज करके मार रहा है उसको, रैंक एरो 95 कैसे डैमेज, 95 नहीं डैमेज, चेक कर जाए 95 नहीं होता ट्रैंक एरो उसका डैमेज। देखो गाइस टैलेंट, उनको मार बेहोश करने दो इसको, तब तक हम हाय गर्मी देखो डर। अच्छा बेहोश भी हो गया, ओके मिल गया गाइस। तो इसको अभी यहीं पे ऐसे छोड़ेंगे। पिछली वाली जो थी वो हम दो दिन बाद देखने आए थे तो उसकी वहाँ पे पेटी पड़ी हुई थी, उसको खाना नहीं मिला में भी या कुछ हुआ तो मर गई वो, तो इसलिए ये नहीं पकड़नी पड़ी। हम उसको वैसे ही ट्रैप में छोड़ के गए थे ये सोच के कि हमको भाई 25 दिन में बाद में आऊँगा तो भाई डबल मिल्क मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला हमको, सिर्फ उसका पेटी मिला वहाँ पे। तो इसको यहाँ पे रहने दो गाइस, अभी हमारे पास मिल्क बॉटल हो चुकी है। हमारा एक बंदा यहाँ से फास्ट ट्रैवल करके वहाँ पे जाएगा मेन बेस पे, और वहाँ पे एक जो है वो हैच करने के लिए डाल रहा है, और मैं पेट्रोडॉन में मिल्क रख के अपने बेस पे लेके जाऊँगा। तो चलिए गाइस बेस पे पहुँचने के लिए हमको काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना है, तो निकल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बेस पे पहुँच चुके हैं, और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल, हमको लगा 7 ही अंडे, लेकिन टोटल हमारे पास है 14 अंडे, ठीक है। तो ये देख रहे हो फायर के अंडे हद से ही ज़्यादा है, काफ़ी लो लेवल के, 4, 22, 23, 12 लेवल का, एक पॉइजन का भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरफ कुछ नहीं है, और मेरे दोस्त ने टोटल 9 या 10 अंडे लेके गए एक साथ ही आज करने वाले हम। तो यहाँ पे ये आइस का डाल दिया उसने, एक फायर का डाला है, 2 फायर के 3 फायर के, एक 3 लाइटनिंग के, एक पॉइजन का, ठीक है। और सब हैच हो रही का चेक कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 8 ही लाया है ना, 10 है टोटल, 10 है टोटल, 1, 2। अच्छा वो पॉइजन उधर है, ये हैच हो रहा है, ये भी हैच हो रहा है, सब हो गए, ये भी हो रहा है हैच। तो हमारे पास इतना 10 बॉटल मिल्क है गाइज, तो हम 10 ड्रैगन कर रहे टेम एक साथ, तो गाइज मजे ही मजे। ये भी हो रहा है आइस वाला हो रहा है, पॉइजन वाला हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है गाइज, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 10 एग्स हमने डाल दिए, फायर के 4, लाइटनिंग के 3, आइस का 1 और पॉइजन का 1। तो ये सारे के सारे होने वाले 32 मिनट्स में हैच। तो गाइज तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। क्या लग रहा है गाइज नज़ारा देखो, वाह भाई पतो ही जहर। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो बेस पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइट बंद करके एक चीज़, ये देखिए गाइज अंडे देख रहे हो कैसे चमक रहे हैं। ओ भाई साहब, और इनको अभी 2 कोल्ड दिखा रहा है रे अभी, बाहर जो पड़ा है ना एक छोटू सा, वो 2 कोल्ड दिखा रहा है। चल चल मैं मशाल लेके बैठ गया था, रुक उसको उठाता हूँ अंदर फेंकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड लग रही है उसको, तो मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, रुको अभी ठीक है।
ओके देखिए गाइस क्या एक चमक रहे 10 के 10। ओह भाई साहब वो तो ही जेर, अरे व्हाइट वाला भी ब्लू में ही चमक रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त बचा है सारे हैच होने के लिए। यहाँ पे इसको 1 मिनट बचा है तो इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होगा, क्लेम करना पड़ेगा जैसे ये हैच होते हैं 10 के 10, और फिर इनको थोड़ा सा दूर दूर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा होने पे ये हमारा बेस है वो उनके लिए काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पे तो 34 सेकेंड्स बचे सिर्फ, और भाई देख ही सकते हो अंडे ही अंडे भाई, पैसा ही पैसा। 30 सेकेंड्स और ऑमलेट ही बनने वाला है। वहाँ से ऑफ कर सकता है ना जय तू वो जनरेटर? मैं कर सकता हूँ। हाँ कर देख आपकी आवाज आ रही है। 8 सेकंड्स वॉइस कुछ सुनावे भी नहीं। अरे हो गए क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम कर दे और डिसेबल। अरे नहीं आधे हुए नहीं है क्लेम कर और वॉन्डरिंग डिसेबल कर दे बस बिहेवियर में जाके। अभी मेरे को इसने अटका दिया। हाँ वही है वो लाइटनिंग वाला है या पॉइजन है इसको? 3 मिनट लगेगा। हाँ बाहर था डिसेबल कर दे, वॉन्डरिंग डिसेबल कर दे सबकी। ये मेरे को फॉलो है, फॉलो कर क्या? रुक जा ये कौन है, पॉइजन है क्या? नहीं लाइटनिंग है अपन का ही हरा वाला। इसका बिहेवियर डिसेबल, वॉन्डरिंग कर दे सबकी, सबकी डिसेबल कर दे वरना मुंबई दर्शन पे निकलेंगे। अंदर क्लेम करना बाकी है देखो और भी सब कर दिया। हाँ फायर वाला हाँ कर दिया मैंने। चल बिहेवियर में डिसेबल पॉन्डरिंग और फॉलो मेरे को ही है सारे, ठीक है मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। अभी मैं ऊपर अटक गया भाई इनके। हाँ भाई मेरे को पंच मारने आ जा जाए। हाँ पंच मार ऊपर ध्यान से उनको ना लगे, यहाँ पे एसी पे खड़ा होके पंच मार मेरे को। अभी मारो कोई तो पंच ऊपर एसी पे खड़ा रह के। हाँ और लेफ्ट, हाँ राइट में मार दे पंच, निकल गए। चल हाँ नहीं आएंगे जरूर, दूर जाना पड़ेगा काफी। रुनीत तू दूर जा, ये सामने वाला हटेगा तभी वो आएंगे। दूर जा हाँ जा उधर जा उस तरफ जा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। जा आ रहा है जा और दूर जा, आ रहे तेरे को फॉलो है वो सब आ रहे, जा दूर जा। ठीक है अभी मैं भी आ रहा हूँ, इनको सबको नीचे लेके जा। चल जय तू भी आ जा, सबको नीचे लेके चलते आराम से, पानी में ना गिरना। हाँ आ रहे ना मेरे वाले भी पीछे, ये आइस वाले का सर पे थे। हाँ देखा मैंने, काटे ही काटे भाई, ड्रैगन की फौज। अभी किसमें दम है जो हमको हाथ लगा सकेगा? इस 10 ड्रैगन और पहले से टेम किए हुए अलग। ओह भाई वो एक फंस गया, वो एक फंस गया जय, तेरा वाला फंस गया उधर फंसा है थोड़ा सा। हाँ बाहर निकाल उसको और लेके। चलो वही पे बड़ा करेंगे इनको। आ जाओ छुटको। ओ भाई काफी खतरनाक। आ जाओ पहने दे कैसे देख और पहने कैसा लग रहा है? कैसे लग रहे पता ही है, सिर्फ ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स। ये सिटी बीटी मत बजा दे, प्लेन सिटी से फॉलो होते ही नहीं। इनको काफी थोड़ा दूर दूर रखना पड़ेगा बड़ा होने के बाद। वॉन्डरिंग डिसेबल कर दे पहले, कब का कर दिया
पैरी ने डायरेक्ट उसको फॉलो करा है पॉइजन वेवरेन को। चल मेरे पीछे कितने चार है क्या? हाँ मेरे पीछे गलत था, राहुल के पास से एक ले लेता, मेरे पास वैसे ही तीन थे, तूने दो कर दिए। आजा जगह है ना, अबे अटकने नहीं चाहिए, धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा गाइस। ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स गाइस। पानी को लगता है पॉइजन वेवरेन चाहिए। पॉइजन चाहिए क्या पानी को? ले ले कोई भी ले ले, बोल नहीं रहा, जो भी चाहिए ले ले। बहुत पिछली वाले याद पर लाइटनिंग ले, ये फायर लाइटनिंग पूछ अभी से, देख क्या सेक्सी लग। अबे फायर की छोड़ वो आइस वाले की पूछ दे, वो तो सबसे अलग है, वो यूनिक है कि एक अकेला बंदा है सबसे रेयर। अच्छा वो भी कुछ वो, हमारा एक बंदा बोला कि हाँ स्केलेटन टाइप एक विवरिन मिलते हैं। तो गाइस ये देखो हमारा जो मरा था सेम उसी कलर का, लेकिन इस बार है लाइटनिंग, तो इस बार मरने वाले नहीं है। मैं इनको इधर इधर इस तरफ रखता हूँ क्योंकि बड़े होने के बाद काफी जगह गिरेंगे, तो एक दूसरे को ब्लॉक ना करें। काफी सही लग रहे रे। तो यहाँ पे आके इनकी जो फॉलोइंग है वो हो जाती है डिसेबल। बैठे रहो अभी। ये गाइस ये हमारा 53 लेवल का बेबी छोटू सा लाइटनिंग विवरिन, अभी इसमें काफी ज्यादा फूड है तो रहने दो। ये देखो गाइस आइस वाला, अभी शील्ड निकाल शील्ड निकाल शील्ड निकाल दे, शील्ड निकाल दे हाथ से। ओ भाई ये देखो गाइस आइस वाला देख रहे हो क्या खतरनाक लग रहा है। ओ भाई ओके पूछ देखो इसकी भाई पूछ, पूछ देखने में भाई मजा आ रहा है, पूरा सफेदी की दुकान। अटैक भी देखना बाकी है। तो गाइस इन सबको बड़े होने दो, बड़े होने में काफी टाइम लगेगा, इनके लिए एक एक मिल्क की बोतल इनको दे देंगे हम, फिर ये बड़े हो जाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो इनको बड़े होने के बाद हर एक काम आपको अटैक दिखा देंगे। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे आप देख सकते हो 52 के ऊपर जा चुके हैं। ये जय ने लिया था तो इसलिए जय का ऑप्शन आ रहा है। तो ये किसने? अच्छा ओके विवरिन मिल्क अभी लेके आता हूँ मैं। मैंने सिर्फ मैं भी चार किए थे हैच, तो शायद चारों को मेरे को ही मिल्क पिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मिल्क रखा था, वो निकाल लेता हूँ फटाक से। ये फायर वायर नॉट कडल, अभी देखो गाइस मैं इनको कडल करने वाला हूँ ठीक है। ओह ये देखो इसको कडल कर दिया मैंने ठीक है। इसका इम्प्रिंटिंग हो गया 100, सिर्फ अपन को फूड बार बढ़ाना है। तो ये मैं इसमें ये दे पी लिया, देख किसने ऑटोमेटिकली पी लिया, 1400 हो गया इसका। तो ये अभी बड़ा होते रहेगा ऑटोमेटिकली। ये किसका है? उसका फूड गया। लाइटनिंग वांट टू हैंड फीड कंफर्ट फूड, वेवरिन मिल्क इसको देना है, तो वेवरिन मिल्क मैं दे देता हूँ। इसने पी लिया, इसका भी 1500 हो गया, अभी आराम से होते रहेंगे। जय इसको तेरे को पॉइजन वाले को दे, कुछ तो पिलाना है, मैं भी विवरिन मिल्क चाहिए फायर वाले को। ये इसको वॉक के साथ वॉक जाने का ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। इसने भी पी लिया गाइस 54, इसका भी फूड बढ़ चुका है फूड। अच्छा इसको कौन कौन चाहता है इसका? फायर वी वांट टू कडल। अच्छा मैं चाहता, मेरा है मेरा है मेरा है। ओहो भाई साहब सही है। चलो और उसके बाद मैं इसमें एक बॉटल वोडका डाल दूंगा और इसका फूड बार बढ़ गया, तो इसको भी एक पिला देता हूँ मैं। इसने भी पिला लिया, तो गाइस हमने सबको फूड दे दिया है ओके। इसका इम्प्रिंटिंग 100 है, एक ही ये बचा है, इसका इम्प्रिंटिंग जो है वो 0 है, मतलब पता नहीं क्यों है, क्योंकि ये 2 बॉटल वोड का पी चुका है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो बाकी जो सब बचे हुए थे उनको सबको हमने फूड दे दिया है, और अभी अराउंड हमको और 1 से 1.5 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपको गाइस ऊपर से दिखा देता हूँ, ड्रैगन ही ड्रैगन गाइस देख लो, देखो गाइस। और हमने 10 बोला था लेकिन हमने ठीक से काउंट नहीं किया था गाइस, तो हमने टोटल 9 जो ड्रैगन है वो ड्रैगन एक जो है वो हैच किए टोटल। ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ड्रैगन है एक सिर्फ हमने हैच किया, हमको लगा कि हमने 10 किए थे। तो एक जो एक्स्ट्रा बोतल थी वो जय ने उसके फायर वाले को पिला दिए। तो ये देखो गाइस अभी जब ये बड़े होंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा एरिया गिरने वाले, तो इनको बड़े होने दीजिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सबको हमने मिल्क बिल्क पिला दिया है,
और इसको हमने एक अंडा खिलाया है, तो इसका कलर देखो क्या हो चुका है, कतई जहर कलर हो चुका है। ठीक है चलो रहने दो, इनको अभी बड़ा होने दो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे के सारे व्यूरिंस हो चुके हैं टेम, मतलब 100% टेम हो चुके हैं वो। ठीक है ये देखो आइस वाला क्या खतरनाक लग रहा है, और ये हमारा लाइटनिंग व्यूरिन है यहाँ पे आ जा रहे बेटा। वो लेवल अप, इसका स्टैमिना ही बढ़ाएंगे क्योंकि स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा टट्टी है इन सब का। ऊपर से आपको दिखाना चाहूँगा मैं, अच्छा मैं गलती से दूसरे पे ही बैठ गया, ये अपना है। ठीक है 400 स्टैमिना हो चुका है, वो देखो भाई आग छोड़ रहा है वहाँ पे। तो ये देखो भाई मेरा वाला कौन सा है, ये हमारा लाइटनिंग व्यूरिन। ठीक है ओ भाई लेवल अप वापस से कर लेते हैं। हाँ मिड डाल दे, ये देखो गाइस क्या लग रहा है, एक नंबर लग रहा है इसका। मैं लाइटनिंग अटैक आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ओ भाई साहब क्या खतरनाक लाइटनिंग अटैक है। और फर्स्ट नंबर पे जो है वो बाइट अटैक है। ओके तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, उसके बाद ये फायर विवरीन है। ठीक है इसकी भी लेवल जो है वो अप कर लेते हैं, स्टैमिना बढ़ाएंगे हम। तो गाइज ये फायर विवरीन से इसका ये फर्स्ट वाला इनका सबका बाइट अटैक ही है। ठीक है सेकंड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ये देखिए हो भाई स्टैमिना ख़त्म, क्या भाई मतलब काफ़ी लोग स्टैमिना है भाई सबका। ठीक है रुक रुक आइस वाले के एक राइड, आइस वाले के एक राइड रुको, यहाँ पे ज़मीन के बैठ के मैं मार सकूँगा क्या, एक फायर नहीं मार सकता, स्टैमिना ख़त्म। ये देखिए अभी हो भाई क्या आग छोड़ता है गाइस। और आखिरकार लेजेंडरी जो है आइस व्यूरिन जो सिर्फ हमारे पास एक ही है, ओ भाई क्या लग रहा है गाइस, क्या लग रहा है देखो, ओहो भाई साहब क्या लग रहा है गाइस ये। ठीक है इसका फर्स्ट वाला वही है बाइट अटैक। ठीक है सेकेंडरी जो है वो ये आइस फ्लेम्स छोड़ता है, ये देखो इस तरह की, जैसे कि हमारा फायर ड्रैगन आग छोड़ता है वैसे ये आइस की फ्लेम्स छोड़ता है मुंह में से बाहर, तो काफ़ी खतरनाक। और यहाँ पे आने पे काफ़ी ज़्यादा रेंडर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन एक साथ खड़े हैं, ये देखो भाई ओ भाई हम भी पानी में आइस छोड़ के भाई जमा देंगे पानी को। रुक ओ भाई साहब पता ही जहर गाइस। तो हमारे पास टोटल 9 अभी हमने टेम के वो पुराने वाले और 3 हैं, तो टोटल हमारे पास 12 हो चुके हैं गाइस ड्रैगन, और हर तरीके का ड्रैगन हमारे पास है। तो गाइस अभी ये वाला फीमेल है या मेल है मैं देखने दो, अरे यार मेल है भाई कोई नहीं चलो मेल है। तो इसका नाम फिलहाल के लिए मैं रखूँगा गाइस जॉनी भैया। ठीक है तो इसका नाम जॉनी भैया रख देते। और गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मैं ऊपर से एक बार दिखाना चाहूँगा ड्रैगन, ये देखो गाइस हर तरफ ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स, वहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये देखो बेस पे भी ड्रैगन्स, सब जगह ड्रैगन घूम रहे हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो आई होगी पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और इस मेल ड्रैगन के लिए एक अच्छा सा नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपने जो फीमेल ड्रैगन का नाम बताया वो मैं दूसरे फीमेल को दे दूंगा, लेकिन इस मेल ड्रैगन के लिए एक अच्छा सा नाम ज़रूर सजेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस तो आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर। अरे everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart